नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले में जनता इंटर कॉलेज असिवधा चेतिया के कुछ 12वीं कक्षा के छात्र अपने स्कूल प्रशासन के खिलाफ डीएम कार्यालय पर पहुंचे और प्रशासन मीडिया के सामने अपनी समस्या को रखा, जिसमें इन बच्चों ने स्कूल के प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि बोर्ड की परीक्षा निकट है और उनकी कक्षाएं नहीं चल रही हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। चपरासी द्वारा पढ़ाए जाने एवं विरोध करने पर नंबर काटने, प्रताड़ित एवं गाली देने का भी आरोप बच्चों द्वारा लगाया गया। वहीं इन्हीं सभी मामलों को लेकर के सभी प्रशासन के पास पहुंचे और मामले में कार्यवाही करने की मांग की। मामले को लेकर जब स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है और यहां सभी कक्षाएं चल रही हैं और सारे आरोपों को निराधार बताया। खास रिपोर्ट देखिए संवाददाता असदुल्ला सिद्दीकी के साथ। का नाम क्या नाम है आपका और यहाँ क्यों आए? मेरा नाम अरुण है, मैं जनता इंटर कॉलेज असिधवा का छात्र हूँ, कक्षा 12 का। मुझे सर बिना बात के ही कुछ भी वजह नहीं था, मुझे प्रताड़ित कर दिया गया स्कूल से। और वहाँ पे पढ़ाई तो छोड़िए, टीचर एक भी नहीं सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग चपरासी मिलके पढ़ा रहे हैं। और कोई बात बोल दो तो नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं और गाली भी दिए हैं दो सर। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या कारण, मतलब इतना क्या ब्लंडर हो गया? सर हम लोग को मतलब कार्रवाई करना उन लोगों के ऊपर। तो गाली समस्या क्या समस्या? समस्या ये है सर कि गाली दे रहे हैं वो लोग, रियल रूल नियम तो सही है सर, बट चपरासियों से पढ़वा रहे हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल का नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं, अगर कुछ बोल दे उनको। तो इस संदर्भ में आपने अभी अपने अभिभावकों को बताया कि ये समस्याएं स्कूल में चल रही है कि सीधा आप जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटा? बताए थे तब एक इसी में से हैं, इनके पापा वकील हैं, तो बोल रहे हैं ठीक है जाओ वहाँ पे बोल, दरखास्त देके आयो। प्रिंसिपल को आपने नहीं शिकायत की इस बारे में? प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं जा रहे नंबर काट देंगे, बोलोगे तो इनको इन लोगों को मारने का धमकी दे रहे थे। कार्लर पकड़ते हैं प्रिंसिपल, कार्लर पकड़ते हैं जी? नहीं टीचर चपरासी बोल रहे हैं, साले चूतिया ये वो, आपकी बात तो ऐसे बोल रहे हैं मार ले सही है, लेकिन गाली देना तो गलत बात है ना सर। चपरासी तक की बात नहीं समझ रहे हैं। मीडिया के सामने कुछ आरोप लगाए आपके विद्यालय पे कि पढ़ाई आपके विद्यालय में सफाई कर्मियों द्वारा होती है और उनको मारा पीटा जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, क्या है पूरा मामला सर? इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं है। जो भी आरोप ये सब छात्रों ने लगाया है वो तो बेबुनियाद लग रहा है हमको। विद्यालय में सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चलती हैं, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है लेकिन हम जो है प्राइवेट टीचर रख करके भी पढ़ाई करवाते हैं। कुछ छात्र ऐसे थे विगत दिनों में कि वो अनुशासनहीनता किए थे, तो उसी में उनको उनके गार्जियन को बुलाने के लिए कहा गया था कि अपने गार्जियन को बुला करके लाइए और जिससे उनको बताया जाए आपके बारे में। तो वो वही छात्र हो सकते हैं, शिकायत किया हूँ, और कोई ऐसी बात ही मेरे संज्ञान में नहीं है। सर पढ़ाने को लेके जो मामला होता है, ये कह रहे हैं कि नंबर काट दिया जाएगा, ये होगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब निराधार है, सब बच्चे शिकायत वजह करते हैं और हमारी स्टाफ सब मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कल रियाज भी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने सघन चेकिंग किया, सब ठीक ठाक पाया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी। और सब सारे टीचर हमारे यहाँ पढ़ा लिखा रहे थे, ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में तो नहीं है।